सेक्शन 51। सेक्शन 51 एडवांस मनी फोरफीटेड। एडवांस मनी फोरफीटेड। समझना ठीक है, पहले केस समझ लो फिर अपन लिखते हैं। देखो क्या हुआ, मेरा घर है ना, मैंने कृष्णा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया ठीक है कि मैं अपना घर इसको बेच रही हूँ ठीक है ना। मैं 50 लाख में अपना घर क्या कर रही हूँ, इसको सेल कर रही हूँ। इसने बेटा 1 लाख रुपीज मुझे क्या दे दिया, एडवांस ठीक है ना। फिर बाद में इसको पता चला कि मेरा घर भूतिया है ठीक है, बाद में इसको पता चल गया कि मेरा घर क्या है, भूतिया है, तो इसने मना कर दिया कि हम आपका घर नहीं लेंगे ठीक है। मैंने कहा ठीक है मत लो, पर मैंने जो एडवांस लिया है वो मैं वापस नहीं करूंगी। तो 1 लाख रुपए जो मैंने रख लिए वो मैंने फोरफीट कर लिए बेटा ठीक है, ये समझ में आया। अब क्वेश्चन ये आया कि ये जो अमाउंट मैंने फोरफीट किया है इसका क्या होना चाहिए ठीक है। तो 1/4/2014 से पहले इसको ट्रीट करने का तरीका अलग था, मतलब 1/4/2014 से पहले अगर मैंने एडवांस लिया है किसी से तो उस एडवांस का ट्रीटमेंट अलग होगा, बट उसके बाद ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा ठीक है, समझना। एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ाती हूँ ठीक है। मेरा घर है, मैंने परचेज किया था, कॉस्ट थी बेटा 10 लाख, प्रीवियस ईयर 2001-02 में परचेज किया था ठीक है ना। अब मैंने कृष्णा से क्या किया, अग्रीमेंट किया और उससे 1 लाख रुपए क्या ले लिए बेटा, एडवांस। पर फिर बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं तो ये एडवांस क्या कर लिया मैंने, फोरफीट। अब मान लो कि ये एडवांस मैंने लिया था 23rd अक्टूबर 2013 को ठीक है, 2013 को मैंने क्या कर लिया था, ये एडवांस 1 लाख रुपए ले लिया था ठीक है। फिर बेटा मेरा ये घर बिका ही नहीं ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर 23/24 में ठीक है ना, एक पर्सन और आया, मिस्टर मिस्टर बीन ठीक है, वो बाहर का इंसान था, उसको भूत भूत से कोई मतलब नहीं था ठीक है। तो उसने बोला चलो मैं घर ले लेता हूँ ठीक है। तो उसने बेटा ये घर ले लिया, मैंने सेल कर दिया ठीक है 70 लाख्स में, समझ आया। तो अब लॉ बोलता है कि क्या करोगे आप, यहां प्रीवियस ईयर 23/24 में आप कैलकुलेशन करोगे, FVOC क्या लोगे 70 लाख्स, माइनस करोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो लॉ बोलता है ये जो 1 लाख रुपए का आपने एडवांस फोरफीट किया था ना, ये आपकी कॉस्ट से कम कर देंगे आप, ये आपकी कॉस्ट से क्या कर देंगे, कम कर देंगे ठीक है। तो आपकी कॉस्ट कितनी थी 10 लाख, उसमें से ये 1 लाख रुपए मैं माइनस कर दूंगी तो बचा कितना 9 लाख, और फिर 9 लाख का मैं इंडेक्सेशन करूंगी। इस 9 लाख का मैं क्या करूंगी, इंडेक्सेशन, मतलब इंडेक्सेशन से पहले मैंने कॉस्ट से 1 लाख क्या कर दिया, माइनस कर दिया ठीक है, और इसका इंडेक्सेशन कर लो अब। ठीक है, और ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ तो बेटा 1/4/2014 से पहले ये वाला प्रोविजन, मतलब उसके पहले अगर
एडवांस 4 फीट किया, मैंने एडवांस 2014 के पहले 4 फीट किया है, तो मुझे ये ट्रीटमेंट करना है। पर बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं? कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं क्या? ये सिस्टम सही लग रहा है क्या एडवांस को ट्रीट करने का? हाँ, एक तो 2001-2002 की कॉस्ट है और उससे 2013 में मिला हुआ 1 लाख माइनस कर रहे हो और फिर बची हुई कॉस्ट को इंडेक्स कर रहे हो, तो गलत हो गया। ठीक है, कॉस्ट तो कब से कम हो जा रही है? 2001-2002 से कम हो जा रही है हमारी। एक तो ये दिक्कत है, एक और दिक्कत है, मान लो मैंने ये घर कभी बेचा ही नहीं, मैंने 1 लाख रुपए कृष्णा से लेकर फोरफीट कर लिया और फिर मैंने कभी घर बेचा ही नहीं, तो 1 लाख तो मुझे मिल ही गए थे ना, पर मैंने घर जब तक नहीं बेचा तब तक वो मेरी कॉस्ट से माइनस नहीं होगा, मतलब वो मेरे हाथ में टैक्स इम्प्लीकेशन आएगा ही नहीं उसका। समझ में आया? ठीक है, मतलब मैं 2-3 बार ऐसे एग्रीमेंट करूं, अमाउंट फोरफीट करूं पर घर नहीं बेचू। ठीक है, तो ये जितना भी अमाउंट में फोरफीट करे वो कभी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा ही नहीं, ये दिक्कत है। ठीक है, तो बेटा 2014 के बाद से के एडवांस के लिए, उसके पहले के एडवांस के लिए तो यही याद रखना पड़ेगा अभी भी। अगर क्वेश्चन में एडवांस 1/4/2014 के पहले का है तो यही करना पड़ेगा हमको। ठीक है, बट इसके बाद के एडवांस के लिए लॉ चेंज कर लिया। अरुण जेटली जी का नाम सुना? फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये चेंज किया था। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये सब झंझट हटा देते हैं, जो अमाउंट फोरफीट किया ना उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज में, क्योंकि तुमने कैपिटल असेट तो बेचा नहीं तो कैपिटल गेन नहीं लग सकता। जिस साल अमाउंट फोरफीट करोगे उस साल अदर सोर्सेज में वो तुम्हारे हाथ में क्या है? टैक्सेबल है। झंझट ही खत्म। समझ में आया क्या? ठीक है, तो हमको दोनों याद रखने पड़ेंगे। अगर एडवांस 1/4/2014 के पहले का है तो ये, अगर 1/4/2014 के बाद का है तो अदर सोर्सेज में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ गए क्या? चलो अब लिख लेते हैं, सिंपल, इनकम में जुड़ जाएगा बस, कुछ नहीं। इफ एनी एडवांस मनी, इफ एनी एडवांस मनी फोरफीटेड बिफोर, इफ एनी एडवांस मनी फोरफीटेड बिफोर 1/4/2014, इफ एनी एडवांस मनी फोरफीटेड बिफोर 1/4/2014, देन इट शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम, देन इट शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम। देखो इसमें 1, 2, 3 डालेंगे है ना। अगर आप कॉस्ट ऑफ असेट कंसिडर कर रहे हो सीओए में तो कॉस्ट ऑफ असेट से माइनस करोगे। ठीक है, ये कब कंसीडर करते हो कॉस्ट ऑफ असेट? जब असेट अक्वायर होता है 1/4/2001 के बाद वाला, पहले वाला होता है तो एफएमबी कंसीडर करो। अगर एफएमबी कंसीडर कर रहे हो तो एफएमबी से माइनस करोगे, कॉस्ट कंसीडर कर रहे हो तो कॉस्ट से माइनस करोगे। और अगर डेप्रिशिएबल असेट है, बिजनेस के असेट्स कैसे होते हैं? डेप्रिशिएबल, उनपे हर साल डेप्रिसिएशन लगता है, तो उनके कैपिटल गेन निकालने के लिए हम सीओए में डेप्रिशिएबल वैल्यू लेते हैं, मतलब WDV लेते हैं। वहां पर हम कॉस्ट नहीं लेते, वहां पर अपन क्या लेते हैं? ठीक है, अभी मैं आगे ये टॉपिक डिस्कस कर लूंगी। डेप्रिशिएबल असेट के केस में हम क्या करते हैं? WDV लेते हैं, तो हम WDV से माइनस करेंगे। हम सीओए में जो भी ले रहे हैं, कॉस्ट ले रहे हैं तो कॉस्ट से माइनस करेंगे, एफएमबी ले रहे हैं तो एफएमबी से माइनस करेंगे, WDV ले रहे हैं तो WDV से माइनस करेंगे। समझ में आया? ठीक है, लिखो, कॉस्ट ऑफ असेट, इफ असेट अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001, एफएमवी एज ऑन, यहाँ पे और डाल देना, और FMV as on 1/4/2001। ठीक है ना, ये कब यूज होती है? जब आप
1/4 2001 के पहले अक्वायर किया वो, या WDV से माइनस करेंगे इन केस ऑफ, हाँ इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट्स। जनरली जब बिजनेस के कोई असेट ट्रांसफर होता है ना, तो वो डेप्रिशिएबल असेट होता है। ठीक है, डन। इसके नीचे नोट लिखना बेटा, दो नोट्स लिखेंगे अपन। रिटन डाउन वैल्यू ना, कैरिंग अमाउंट। नोट लिखो पहला, एडवांस मनी इज रिड्यूस्ड बिफोर इंडेक्सेशन, एक नोट और लिख लो, इसका मतलब थोड़ी देर बाद समझ में आएगा तुम लोगों को। एडवांस मनी फोरफीटेड बाय प्रीवियस ओनर, एडवांस मनी फोरफीटेड बाय प्रीवियस ओनर शैल नॉट बी रिड्यूस्ड। अभी जो अपन नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे ना 47, उसमें ये प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट आएगा, तब ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, शैल नॉट बी रिड्यूस्ड। नहीं, वो 47 वाला ही केस है। ठीक है, वहां पे प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट आता है। चलो, ये तो समझ में आ गया तुम लोगों को, ये कब के लिए, ये एडवांस जो फोरफीट किया ऑन और बिफोर, बिफोर 1/4 2014, ऑन और बिफोर नहीं, बिफोर 1/4 2014। अब अदर सोर्सेज में जाएगा दूसरा, 1/4 2014 के बाद वाला, उसका भी लिख लेते हैं अपन अभी। उसका सेक्शन है सेक्शन 56, सबसेक्शन 2, क्लॉज 9, 9 रोमन नंबर्स में। क्या क्या बोला था मैंने, क्या बोला? ये जो नोट लिखना है वो क्लॉज 9, रोमन नंबर वाला 9। क्या बता रही हूँ मैं? अच्छा, वो तो बता दिया ना 2 दिन बाद। अब मेरे को क्या याद है क्या बोल दिया था मैंने, रिकॉर्डिंग में ढूंढ लेना तो हाँ, ये अदर सोर्सेस का सेक्शन है, बट ये वाला पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहा है, इसलिए यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलो लिखो, इफ एनी एडवांस मनी फोरफीटेड, इफ एनी एडवांस मनी फोरफीटेड ऑन और आफ्टर, इफ एनी एडवांस मनी फोरफीटेड ऑन और आफ्टर 1/4 2014, ऑन और आफ्टर 1/4 2014, देन इट शैल बी टैक्सेबल अंडर, देन इट शैल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इन द ईयर ऑफ फोर फीचर, इन द ईयर ऑफ फोर फीचर। चलो एक क्वेश्चन बना रही हूं, वो सॉल्व करेंगे, है ना? लिखो, मिस्टर एक पेन मुझे दे दो, मैं भी अपने पास फिगर्स लिख दो, मैं बना देती हूँ, मुझे याद नहीं रहते कि मैंने क्या बना दिया। कोई भी दे दो।
लिखो मिस्टर रामू, मिस्टर रामू अक्वायर्ड अ हाउस प्रॉपर्टी, मिस्टर रामू अक्वायर्ड अ हाउस प्रॉपर्टी इन प्रीवियस ईयर 1-2, इन प्रीवियस ईयर 1-2 फॉर 6 लाख, फॉर 6 लाख इन प्रीवियस ईयर 9-10, इन प्रीवियस ईयर 9-10 ही एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट, इन प्रीवियस ईयर 9-10 ही एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। With Mr. Shyam, with Mr. Shyam, and received an advance of, and received an advance of 1,50,000. Mr. Shyam didn't remit the balance, 1,50,000. Mr. Shyam didn't remit the amount of the balance amount, sorry, remit the balance amount. So Ramu forfeited the advance. So Ramu forfeited the advance. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अगेन रामू, अगेन रामू एंटर्ड इंटू अग्रीमेंट, अगेन रामू एंटर्ड इंटू अग्रीमेंट फॉर सेल विथ मिस्टर जय, ऑन 14th अप्रैल, 14th अप्रैल 2023, एंड रिसीव्ड एडवांस ऑफ, एंड रिसीव्ड एडवांस ऑफ 70,000, एंड रिसीव्ड एडवांस ऑफ 70,000। ठीक है, मिस्टर जे डिडंट रेमिट द बैलेंस अमाउंट, मिस्टर जे डिडंट रेमिट द बैलेंस अमाउंट, सो रामू फोरफीटेड द एडवांस, सो रामू फोरफीटेड द एडवांस। फाइनली फाइनली रामू सोल्ड द प्रॉपर्टी, मिस्टर अजय, फाइनली रामू सोल्ड द प्रॉपर्टी टू मिस्टर अजय फॉर 80 लाख। ठीक है, इसकी डेट डाल लो, फर्स्ट जनवरी 2024। फर्स्ट जनवरी 2024, 80 लाख है ना? ठीक है, चलो चालू हो जाओ। क्या बहुत मुश्किल है, बाजू वाले की कॉपी से देख, साइन पेन ले ले। नहीं है बेटा अपनी नोटबुक से भेजो ना, किसने पूरा लिख लिया है। हाँ तो अपने फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दे मतलब उसकी क्वेश्चन की। ठीक
मेरा आंसर तो आ गया। अब तुम लोग जल्दी से पूरा इंटरप्रेट करो और करो। अच्छा आगे। कैलकुलेशन होने हाँ, अदर सोर्सेस में डाल दें। चलो अमाउंट लिखो, कितना कितना आया तुम लोगों का। 64 लाख 30, 34,000 सबका इतना है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। और 70,000 IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। हाँ वो भी लिख देना, ठीक है। हेडिंग डालना पहले की कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फिर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, और फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके अंदर ये दिख जाएगा, एडवांस मनी 430 70,000। उसमें कोई कंप्यूट नहीं करना, बस दिखा देंगे उसको। इसमें नोट डालना पड़ेगा तुम लोग को ऐसे क्वेश्चन में कि एडवांस मनी फोरफीटेड बिफोर 1/4/2014 विल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट बिफोर इंडेक्सेशन, ठीक है। एंड एडवांस मनी फोरफीटेड आफ्टर 1/4/2000 on or after 1/4/2014 will be taxable under head income from other sources in the previous year in which amount is forfeited, ठीक है। ये नोट लिखना पड़ेगा, समझ गए क्या? चलो हो गया है क्या? आगे बढ़े, हेडिंग डालो सेक्शन 47। ये अपना थर्ड स्पेशल केस है, ठीक है। सेक्शन 47 ट्रांजैक्शंस नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ट्रांजेक्शन नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ब्रैकेट में लिख लो एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है। मतलब ये जो ट्रांसफर आप कर रहे हो इसको ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा, तो ट्रांसफर ही नहीं होगा अगर कैपिटल असेट का, तो कैपिटल गेन भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बेटा इसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेस हैं, एक-एक करके अपन क्लॉजेस समझते हैं। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। सबसे पहला वो बोलते हैं, अगर कैपिटल असेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एचयूएफ के पार्टीशन में, मतलब एचयूएफ जानते हो ना क्या है, एचयूएफ का पार्टीशन हुआ, ये एचयूएफ की प्रॉपर्टी थी बेटा, तो ये प्रॉपर्टी के भी क्या हो गए हिस्से, ठीक है।
पहले ये प्रॉपर्टी किसकी हुआ करती थी? एचयूएफ की, है ना। अब ए के हाथ में ये प्रॉपर्टी और बी के हाथ में, दो बेटे थे दोनों के हाथ में प्रॉपर्टी बट गई, ठीक है। तो ए के हाथ में ये प्रॉपर्टी चली गई, बी के हाथ में वो प्रॉपर्टी चली गई, इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। समझ में आया? ठीक है, पहली चीज समझ में आई। एक एक पॉइंट डिस्कस करते, एक एक पॉइंट लिखते जाओ। तो फर्स्ट पॉइंट डालो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट अंडर, सॉरी, कैपिटल असेट बाय एचयूएफ, बाय एचयूएफ टू मेंबर्स, बाय एचयूएफ टू मेंबर्स ऑन पार्टीशन, ऑन पार्टीशन। समझ में आया? एचयूएफ का पार्टीशन होगा, मेंबर्स को प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा एचयूएफ के हाथ में, ठीक है। सेकंड, बेटा मेरा घर था, ठीक है, ये घर है, मैंने अपना घर बी को गिफ्ट दे दिया, ठीक है, या फिर मुझे एक घर मिल गया विल के अंडर। विल के अंडर कैसे मिल गया? किसी ने अपनी विल लिखी, उन्होंने अपने विल में क्या कर दिया, अपना घर मुझे दे दिया। अब उनकी डेथ पे वो विल एग्जीक्यूट होगी, तो वो घर मुझे मिल जाएगा। या मैंने इनहेरेंट कर लिया, ठीक है, इनहेरेंट कर लेते हैं, है ना। इनहेरेंट मतलब नहीं पेरेंट्स की डेथ के बाद किसको मिल जाता है ऑटोमेटिकली? बच्चों को, ठीक है। तो वो इनहेरिटेंस हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस के केस में अगर प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है, उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। समझ गए क्या? दूसरा वाला पॉइंट भी सिंपल है। चलो लिखो, कोई क्वेश्चन आया था कृष्ण तेरे दिमाग में ना, जिसको गिफ्ट मिला है उसके हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर अदर सोर्सेस में पढ़ेंगे अपन। गिफ्ट टैक्सेबल है अदर सोर्सेस के अंदर, ठीक है। मैं ये बात कर रही हूँ, एक ने ट्रांसफर किया बी को, तो ए ने जो ट्रांसफर किया उसको ए के हाथ में ट्रांसफर नहीं मान रहे, ठीक है ना। बाकी तो गिफ्ट के प्रोविजंस अपन को अदर सोर्सेस में पढ़ने ही है। राजधानी मान रहे तो ए ही होना है। नहीं, बी ओनर बन जाएगा, पर ए के हाथ में टैक्स नहीं आएगा। ट्रांसफर नहीं मान रहे मतलब एक्चुअली में तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है ना बेटा, ओनर शिफ्ट हो रहा है, बट ए के हाथ में ट्रांसफर नहीं मान रहे का मतलब क्या हुआ? कि ए के हाथ में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। समझ में आया? अगर कैपिटल गेन लगाना है तो क्या होना चाहिए? कैपिटल असेट का ट्रांसफर, चार्जिंग सेक्शन। अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ, ट्रांसफर की डेफिनेशन के अंदर वो नहीं आ रहा है, तो फिर कैपिटल गेन नहीं आएगा, ठीक है। समझ गए क्या? हाँ, तो सेकंड पॉइंट अभी लिखवाया नहीं ना मैंने। हाँ लिखो, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस, अंडर गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस, ठीक है। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है। तुम लोग ईसॉप जानते हो क्या? हाँ। अब कंपनी है, मान लो रिलायंस है, उसका एम्प्लॉई है ए, कंपनी ने एम्प्लॉय को ईसॉप दिया, मतलब इसको क्या मिल गए बेटा? शेयर्स, कंपनी के शेयर्स मिल गए ईसॉप के अंदर। और ये शेयर्स ए ने किसको गिफ्ट कर दिए? बी को। बेटा गिफ्ट करें, ठीक है। तो यहां पर ये बोलता है कि अगर ईसॉप में मिले हुए शेयर्स या डिबेंचर या कोई भी सिक्योरिटी अगर आप गिफ्ट करते हो,
इस गिफ्ट को ट्रांसफर माना जाएगा, समझ में आया? इसको ये एक्सेप्शन है इसका, समझ में आया है ना? तो लिख लो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिख लो। इफ शेयर्स अलॉटेड अंडर ईसॉप, इफ शेयर्स अलॉटेड अंडर ईसॉप गिफ्टेड टू समवन, इफ शेयर अलॉटेड अंडर ईसॉप गिफ्टेड टू समवन देन इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर, देन इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर एंड कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल, एंड कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल। अब मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, ए के हाथ में क्या मान लेंगे, ट्रांसफर मान लेंगे? ए ट्रांसफर कर रहा है ना, बी को तो मिल रहा है, ए के हाथ में क्या मान लेंगे, ट्रांसफर मान लेंगे। तो ए के हाथ में क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का फॉर्मूला बोलो। ठीक है, हाँ तो मुझे बताओ सीओ एट में तो ले लोगे, तो एफबीओसी क्या लोगे? इसने तो फ्री में दे दिया, इसने तो गिफ्ट किया ना, एफबीओसी क्या है, सेल प्राइस तो है ही नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू लिखो। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ, हाँ उसी की कंटिन्यूएशन में लिखो, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एफएमबी एज ऑन डेट ऑफ गिफ्ट, एफएमबी एज ऑन डेट ऑफ गिफ्ट इज ट्रीटेड एज, एफएमबी एज, एफएमबी एज ऑन डेट ऑफ गिफ्ट इज ट्रीटेड एज एफबीओसी। ठीक है, क्या डन? अच्छा अब थर्ड और फोर्थ वाला एक साथ समझा रही हूँ, फिर लिखते हैं। बेटा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या मतलब जानते हो, है ना? और मैं बोलूँ 100% सब्सिडरी तो क्या हो जाएगा, होली ओन, होली ओन सब्सिडरी हो जाएगा। ठीक है, अब होली ओन सब्सिडरी क्या है, एक ही तो बात हुई ना, अगर मैंने किसी कंपनी को पूरे तरीके से ओन करके रखा हुआ है, पूरी ही मेरी है, ठीक है, तो मैं और कंपनी एक ही बात हो गए, ठीक है, पूरे तरीके से मेरी ही है ना, है ना? तो होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी को कुछ ट्रांसफर करती है, या 100% सब्सिडरी होल्डिंग को ट्रांसफर करती है, तो इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों कंपनियां एक ही कंपनी है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ तो चलो लिख लो, होल्डिंग कंपनी किसको ट्रांसफर कर रही है, अपनी 100% सब्सिडरी, मतलब होल्ली ओन सब्सिडरी को, और होल्ली ओन सब्सिडरी किसको ट्रांसफर कर रही है, अपनी होल्डिंग को, तो इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, मतलब इस पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। ठीक है चलो लिखो, थर्ड पॉइंट लिख लो। थर्ड पॉइंट में अपन ये लिखते हैं, होल्डिंग टू 100% सब्सिडरी वाला, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय होल्डिंग कंपनी टू होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय होल्डिंग कंपनी टू होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी, यहाँ एक कंडीशन है कि सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, एंड देखो, एंड सब्सिडरी कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी, जिसको असेट मिल रहा है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। एंड सब्सिडरी कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी, है ना? ये लिख लो छोटा सा, वहां पे तुम लोग को सेंटेंस दोबारा रीड नहीं करना पड़ेगा।
भूल जाओगे तो सेंटेंस भी ठीक कर लेना, बट इससे याद आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये नीचे वाला फोर्थ पॉइंट में लिख लेना, अभी फोर्थ पॉइंट लिखवा देती हूँ। चल फोर्थ पॉइंट लिखो, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय ओनली ओन सब्सिडरी कंपनी। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय होली ओन सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी, टू होल्डिंग कंपनी। यहां पर भी सेम कंडीशन है, होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो लिखो एंड होल्डिंग कंपनी, एंड होल्डिंग कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी, शुड बी इंडियन कंपनी, ठीक है। चलो अब ये लिख लो, ये हाँ ये 100% सब्सिडी टू होल्डिंग। एक एग्जाम्पल बना रही हूं, वो ध्यान से समझना, ठीक है। चलो जेठालाल, ठीक है बेटा, जेठालाल ने अपना जो घर है, ठीक है, वो गिफ्ट किया, वो गिफ्ट किया किसको? दया को, किसको? बबीता जी को। अभी उनको भी लेकर आते, रुको। वो गिफ्ट किया किसको? दया को, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये जेठालाल के हाथ में ट्रांसफर है? अपन ने क्या पढ़ा सेकंड पॉइंट में? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस, ये ट्रांसफर नहीं है। अच्छा कॉस्ट थी जेठालाल के लिए ये घर की, उसने प्रीवियस ईयर बेटा 2001-2 में खरीदा था, 10 लाख का, ठीक है ना। और ये उसने क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया किसको? दया को। अब बेटा अपन ने पढ़ा कि इसको अपन ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, इस ट्रांजैक्शन को अपन ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, तो जेठालाल के हाथ में कोई टैक्स नहीं आया, कैपिटल गेन नहीं आया, उसके हाथ में कैपिटल गेन नहीं आया। ये वाली बात समझ में आई अच्छे से? हाँ। अब दया ने क्या किया? घर दया के पास आ गया, ठीक है। दया ने क्या किया? आगे इसको सेल कर दिया बेटा, ठीक है। किसको सेल कर दिया? बबीता जी को। ये सेल कर दिया, दया ने कितने में सेल किया इसको? 80 लाख में, ठीक है। मुझे बताओ दया ने तो सेल किया है ना, तो ये तो ट्रांसफर है, ये क्या है? ये ट्रांसफर है, तो दया के हाथ में कैपिटल गेन आएगा, दया के हाथ में कैपिटल गेन आएगा। कैलकुलेट करेंगे अपन, सबसे पहले FVOC 80 लाख, ट्रांसफर एक्सपेंस 0, तो नेट कंसिडरेशन 80 लाख, माइनस करना है बेटा COA या इंडेक्स COA। अब मुझे बताओ दया के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? दया को तो 0 में मिला, फ्री में मिला ना उसको तो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे COA क्या लें? क्या 10 लाख ले लें जैसे रचित बोल रहा है? ले लेते हैं, ठीक है।
अपन कॉस्ट किसकी ले लेते हैं? प्रीवियस ओनर की, प्रीवियस ओनर जिसने घर खरीदा। तो यहाँ ये जो अपन ने चार केसेस पढ़े, इन चारों में जब जो प्रेजेंट ओनर है वो जब सेल करेगा आगे, ठीक है, तो वो अपने हाथ में जब कैलकुलेशन करेगा तो कॉस्ट कितनी लेगा? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। क्या लेगा? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। ठीक है, समझ में आया? पहली चीज। अब मुझे बताओ पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से देखें? दया को ये मिला था 2021-22 में, और 23-24 में उसने बबीता को सेल कर दिया। अब अगर दया से बबीता देखेंगे तो फिर तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है, ठीक है, बट जब कॉस्ट अपन किसकी ले रहे हैं? प्रीवियस ओनर की, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कहां से देखना चाहिए अपन को? प्रीवियस ओनर से। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कहां से देखेंगे? प्रीवियस ओनर की होल्डिंग से। क्लियर है ये? ठीक है ना। अच्छा एक चीज और माइनस होती है, अगर होती है तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बेटा चाहे प्रीवियस ओनर ने की हो चाहे प्रेजेंट, मतलब जेठालाल ने अगर इम्प्रूवमेंट करवाया था उसको भी कंसिडर कर लेंगे, और दया ने कोई इम्प्रूवमेंट करवाया होगा तो उसको भी कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, अब एक सवाल और आता है कि चलो मैंने ले लिया 10 लाख यहाँ पे, ठीक है, मैं इंडेक्सेशन जब करूंगी तो इनटू 348 करूंगी, डिवाइड कितने से करूंगी? फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट इनटू ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ, ठीक है, पर बेटा अक्वायर तो दया ने 21-22 में किया ना, ठीक है, तो ईयर ऑफ एक्विजिशन जिस ओनर के हाथ में आप कैलकुलेट कर रहे हो उस ओनर के हाथ में तो क्या होना है? 21-22। जब सब कुछ हम प्रीवियस ओनर का ले रहे हैं तो हमको सीआईआई भी कब से लेना चाहिए? प्रीवियस ओनर के, बट लॉ में ऐसा लिखा हुआ नहीं था, यहाँ पे उनसे चूक हो गई, यहाँ पे वो लिखना भूल गए कि यहाँ पर सीआईआई भी किसका लेंगे? फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर, ये लिखना भूल गए वो। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिगेशन हुआ, कोर्ट में गया केस, ठीक है, एक बहुत फेमस केस है मंजुला जे शाह। यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि देखो तुम भूल गए हो इनकम टैक्स वालों को, यहाँ पे तुमको प्रीवियस ओनर का ही जब सब कुछ ले रहे हैं तो हमको सीआईआई भी कब से लेना चाहिए? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला केस लॉ फॉलो करेंगे अपन, और क्या करेंगे, प्रीवियस ओनर का ही से ही, मतलब जिस साल अपन ने प्रीवियस ओनर ने लिया था उस साल का ही सीआईआई अपन लेंगे। समझ गए क्या? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? चलो एक एक करके लिखो, है ना, ये चारों जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए उसके लिए है। ठीक है, तो लिख लो इन अबव फोर केसेस, इन अबव फोर केसेस, चार पॉइंट्स लिखे ना अपन ने, ये चारों के लिए सेम चीज है। फर्स्ट, इन अबव फोर केसेस फर्स्ट पॉइंट डालो, सीओए इज इक्वल टू कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। ब्रैकेट में सेक्शन लिख लेना 49(1), सीओए इज कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। सेकेंड, COI का पॉइंट लिखो, सेकेंड COI इज इक्वल टू इनकर्ड बाय, वेदर इनकर्ड बाय प्रीवियस ओनर, वेदर इनकर्ड बाय प्रीवियस ओनर और प्रेजेंट ओनर शैल बी कंसिडर्ड।
शैल बी कंसिडर। ठीक है, कहाँ से छूट गया तेरा? सेकेंड पॉइंट में COI इक्वल्स टू वेदर इनकर्ड बाय प्रीवियस ओनर और प्रेजेंट ओनर शैल बी कंसिडर। दोनों बार जेठालाल ने इनकर किया तो वो भी COI कंसिडर करेंगे, दया ने इनकर किया वो भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, हाँ वो तो COI तो वैसे ही करते हैं ना अपन, जितनी बार अपन करते हैं उतनी बार का अपन इंडेक्सेशन करते हैं उस ईयर के हिसाब से। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म है तो अपन ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए भी थे जिसमें एक से ज्यादा बार वो इम्प्रूवमेंट करवा रहा था, तो जितनी बार इम्प्रूवमेंट करवा रहा था उसका 1-2 पॉइंट डालकर कैलकुलेशन करते जा रहे थे। थर्ड पॉइंट लिखो, पीरियड ऑफ होल्डिंग POH, POH इज इक्वल्स टू पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ईयर प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर प्लस प्रेजेंट ओनर प्लस प्रेजेंट ओनर शैल बी कंसिडर्ड। ठीक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पूरा पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर होगा। ठीक है, प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग और प्रेजेंट ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग टोटल मिलाकर देखेंगे लॉन्ग टर्म हो रहा है या शॉर्ट टर्म। समझ गए क्या? फोर्थ पॉइंट लिख लो, फोर्थ पॉइंट मैं लिख देती हूं बोर्ड में, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ICOA इज इक्वल टू COA इनटू इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ ईयर इन विच प्रीवियस ओनर अक्वायर्ड सच असेट। और यहां इसके नीचे जस्ट केस स्टडी का नाम लिख लेना, मंजुला जे शाह। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। हो गया, एक आखिरी पॉइंट डालो इसी में, फिफ्थ पॉइंट, बेनिफिट ऑफ FMV, बेनिफिट ऑफ FMV एज ऑन 1/4/2001, मतलब अगर जेठालाल ने 1/4/2001 से पहले अक्वायर किया होता असेट तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर देखते, पर 1/4/2001 से पहले है तो FMV देखनी चाहिए अपन को 1/4/2001 की, तो क्या वो देखेंगे? हाँ ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ FMV एज ऑन 1/4/2001 इज अवेलेबल। ठीक है, अब अगर तुम लोग पिछले सेक्शन से प्रीवियस ओनर वाले पॉइंट से इसको लिंक करना चाहो तो कर सकते हो, जो मैंने तुम लोग को बताया था ना कि अगले सेक्शन में तुम लोग को प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, देख सकते हो क्या पॉइंट बोल रहा था वो प्रीवियस ओनर वाला छोड़ दिया था पहले। एडवांस मनी फोरफीटेड बाय प्रीवियस ओनर शैल नॉट बी रिड्यूस्ड। ठीक है, मतलब जेठालाल ने फोरफीट किया अमाउंट, फिर उसने दया को गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी,
अब दया के हाथ में क्या कर रहे हैं अपन, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका लेंगे, प्रीवियस ओनर का, बट जो अमाउंट उसने फोरफीट किया था उसको लेस नहीं करेंगे। ये भी एक गड़बड़ थी कि मैं अमाउंट फोरफीट करूं, अच्छा खासा मैंने अमाउंट फोरफीट कर लिया, मेरे हाथ में टैक्सीबल तो हुआ नहीं, अब मैं तुमको गिफ्ट कर दूं या अपने घर में किसी को गिफ्ट कर दूं प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का ओनर दूसरा हो गया और फिर वो आगे सेल कर दे, तो वो जो कैप एडवांस फोरफीट जो लेस हो रहा था कॉस्ट से वो भी नहीं होगा, है ना, समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गया क्या? चल आगे अपन कल करेंगे। मैं देखती हूँ मुझे एसटीपी के क्वेश्चन मिलते हैं या इसका एक आध क्वेश्चन मिलता है, तो मैं होमवर्क के लिए भेज देती हूँ अभी। ठीक है, हम जा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो हाँ प्रीवियस ओनर ने इन्वेस्ट